लाइव टीवी सच सबसे आगे। क्या सिर्फ कागजात पूछोगे? आज धर्म पूछोगे, कल जात पूछोगे? मैं हर बार कह दूंगा यही वतन तो मेरा है, घुमा फिरा के तुम फिर वही बात पूछोगे। मेरी नीयत को तो तुम कपड़ों से समझते हो, मेरी नीयत को तो तुम कपड़ों से समझते हो, लहू का रंग भी क्या आप मेरी जात से पूछोगे? लहू का रंग भी क्या मेरी जात से पूछोगे? मैं यहीं था 1984 में, 1993 में, 2002 में, 2013 में, और यही हादसा दिल्ली में भी अभी हुआ है। मैं यहीं था, तुम ही तो थे वो भीड़ जिसने मेरा घर जलाया था। तुम ही मुझसे किस्से वारदात पूछोगे? किस किसने बचाया था मुझे उस रात पूछोगे? दिल्ली का फसाद या हिंदू मुस्लिम फसाद था ही नहीं, ये बाकायदा प्लान एक गुंडा आर्मी लाकर प्लानिंग के साथ किया गया, और वरना ऐसा होता तो कई हिंदू लोगों ने अपनी जान पे खेलकर मुसलमानों की जान बचाई है। वो सत्ता के लिए पागल हो गए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, सच को भी झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। अब एक पूरा एक ताकत है, पैसा है, सब चीज़ है, उल्टा तो एक राजधर्म निभाना चाहिए। वाजपेयी साहब ने कहा था ना, राजधर्म निभाओ, वो कहाँ निभा रहे हैं? और यंग जनरेशन को गुमराह कर दे रहे हैं, और वो डरा रहे हैं इसलिए है कि जो डरावा होता है वही डराता है। साहब पुलिस गुंडा बन जाती है, इन्होंने जहन खराब कर दिए हैं। पुलिस हमारे रक्षक है, इन्होंने एक जहन इतना बोरा है, जहर इतना बोया है, और वो इसी तरह अभी एक मसला हल हो गया बाबरी मस्जिद का, अब ये फॉर एवर एक लटकती तलवार रखेंगे सत्ता हासिल करने के लिए। तो पहले हमें हिंदू और मुसलमान को मिलकर ये काम करना है। इस उम्मीद के साथ मैंने माना बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, चराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर जलाना कोई कमाल नहीं। अब हमें करोड़ों के दिलों को जोड़ना होगा, अपने हिस्से का चिराग जलाना होगा। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। पहले एक दौर था पीएम के पोस्ट पर गृह मंत्री, ये इतने रिस्पेक्टेबल होते थे, उनकी बोली हुई बात पत्थर की लकीर होती थी। अब तो झूठ आम हो गया, और झूठ बोलने वाले के चेहरे पर पशमानी भी नहीं आती। नहीं, कैसी अजीब बात है, ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है, माइक्रो प्लानिंग किया हुआ है। ये असल में उनके इरादे वही हैं। असल में अगर ऐसे गौर से देखा जाए, मुसलमान न कभी इसका पीएम बनने वाला है यहाँ का, न सीएम बनने वाला है, उसकी उतनी वोटिंग की ताकत भी नहीं है, 15% 20% है, उससे हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? पहले ये बात ताज्जुब की बात है, कितनी अजीब बात है, बेवकूफ़ी की इंतहा ये। हाँ, जब तक जहालत होगी ये काम होते रहेंगे। हम गांव-गांव फिर के उस जहालत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी चैनल तो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, और लोगों की ऐसी आदतें बिगड़ी हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉर है। जब तक खतरनाक न्यूज़ आती नहीं है, हम देखने की आदि भी नहीं है। पहले पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, और ये डर, खौफ, वो सारे दंड भाव जो बोलते हैं ना, सब यूज़ कर रहे हैं। और लेकिन एक बात है कि जुल्म कितना भी हो, बहुत दिन नहीं रहता।